जरा ये देखिए, आज जो विपक्षी दल शामिल हुए 15 विपक्षी दल, उनकी लोकसभा में ताकत क्या है, और ये बीजेपी के खिलाफ जो जुट रहे हैं ये क्या इनकी ताकत, आरजेडी, इनके पास लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है, जीरो, लालू प्रसाद यादव, आगे दिखाइए, यहां देखिए अरविंद केजरीवाल, इनके पास एक लोकसभा सीट है, आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं, आम आदमी पार्टी के बाद अब शरद पवार, इनके पास लोकसभा में 5 सीटें हैं, ये आ जाए, इसके अलावा उद्धव ठाकरे, जिनके पास ज्यादा सांसद हुआ करते थे लेकिन अब केवल 6 सांसद हैं, डी राजा, सीपीआई, 2 लोकसभा सीटें हैं डी राजा के पास, जो इस मीटिंग में वो शामिल हुए, सीताराम येचुरी, इनकी पार्टी के पास लोकसभा की 3 सीटें हैं, आगे बढ़ते हैं, ये तमाम दल बीजेपी जिसके पास लगभग 300 सीटें हैं उनके साथ लड़ने के लिए यहां पर एकजुट हुए, लोकसभा की 3 सीटें हैं उमर अब्दुल्ला के पास, एनसी के पास, अखिलेश यादव, लोकसभा की 3 सीटें हैं इनके पास, आगे देखिए एम के स्टालिन, लोकसभा की 24 सीटें, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी निकल गए अरविंद केजरीवाल के साथ साथ, ये भी गए, ये भी नहीं बोले, हेमंत सोरेन, इनके पास लोकसभा की 1 सीट है, आगे देखिए यहां पर कांग्रेस, जिसके पास 49 सीटें हैं मौजूदा वक्त में, क्योंकि राहुल गांधी भी अब लोकसभा के सदस्य नहीं है, तो 49 सीटें इनके पास है, नीतीश कुमार, लोकसभा की 16 सीटें हैं जेडीयू के पास, अब ये जो 15 विपक्षी दल इकट्ठा हुए इसमें से लालू प्रसाद यादव के दल के पास तो एक भी सीट नहीं है, अगर इनको लब्बू लुआब जोड़ें तो 100 सीटों के आसपास आता है 15 दलों का, बीजेपी का अगर जयशंकर जी जोड़ें तो 300 के आसपास अकेले बैठता है, प्लस उनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो चेहरा है जिसकी काट आज ये ढूंढने बैठे थे। जयशंकर जी, क्या लगता है आपको, क्या उसमें कामयाब हुए, और ये जो इनकी संख्या बल है क्या इसीलिए इनको साथ आना पड़ रहा है, क्योंकि इनमें से अकेले में किसी के पास वो ताकत नहीं है कि बीजेपी का मुकाबला कर सके? नहीं गौरव, पहली बात तो ये है कि जो संख्या का आंकड़ा आप समझा रहे हैं तो उसको अपने अपने हिसाब से लोग परिभाषित करते हैं। अब आज की तारीख में अगर देखें तो पूरे देश में सिर्फ 10 राज्यों में भाजपा की हुकूमत है, उसमें से एक आधा दर्जन राज्य ऐसे हैं जहाँ पे 1 सीट है, 2 सीटें हैं, तो उसको अगर आप उस ढंग से अगर देखिएगा तो 160-170 सीटों का आंकड़ा भाजपा के बैठ रहा है, तो इससे कुछ मतलब नहीं निकलता है कि लोकसभा में उनकी कितनी सीटें हैं और विधानसभाओं में कितनी सीटें हैं। इसको जो आप लोग बार बार विपक्षी एकता कह रहे हैं तो ये गलत टर्मिनोलॉजी है जी, विपक्षी एकता जैसा कुछ भी नहीं है, ये विपक्षी दलों का जो भाजपा की सांप्रदायिक और फासिस्ट नीतियों के विरुद्ध लड़ने की बात करते हैं, उनका एक मोर्चा बनाने की बातें हैं, उनके अंदर के मतभेद हैं, व्यावहारिक दिक्कतें हैं, जैसे आप देखिए कि आम आदमी पार्टी है, अब उसने जैसे अध्यादेश को लेकर के सवाल किया कि भाई उसको अध्यादेश के खिलाफ एक प्रस्ताव पास होना चाहिए, कांग्रेस उस पर सहमत नहीं हो रही है क्योंकि कांग्रेस को दिल्ली में और पंजाब में आम आदमी पार्टी से ही लड़ना है, अब जब तक एकता इस ढंग की नहीं बनेगी कि हाँ एक सहमति बन जाए कि दोनों मिल करके लड़ेंगे या विपक्षी महागठबंधन में अगर वो शामिल होंगे, इसी तरह से जैसे अब नेशनल कॉन्फ्रेंस, मैं तो आपसे ये पूछ रहा था, मैंने आपसे ये पूछा था, मैं वही सवाल अब अनुराग भदौरिया के पास लेके जाता हूँ, अनुराग भदौरिया, क्या ये तमाम पार्टियां इसीलिए मिल रही है ना एक साथ क्योंकि अकेले किसी में बीजेपी को हराने का दम नहीं है, क्या यही सबसे बड़ा कारण है आप लोगों का एक साथ आने का, मोदी की काट, मोदी के चेहरे के खिलाफ कोई बड़ा चेहरा जो मोदी के चेहरे के बरक्स आप लोगों के बीच ले जा सके आपके पास नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खुद ही गठबंधन में लड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों बोल रही, मुझे समझ में नहीं आया, वो तो 33 दलों से गठबंधन करके बैठी हुई है, सवाल वो नहीं है, सवाल राष्ट्र का है, राष्ट्र को बचाने की है, मुद्दे जो है देश के जो असली मुद्दे जिसपे भारतीय जनता पार्टी चर्चा नहीं करना चाहती, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसान हो, महिला हो, आपने देखा अगर महिलाओं को जो यहाँ पे पदक जीतने वाली महिलाओं को रोड पे घसीटा जाएगा तो क्या आपका दिल नहीं टूटेगा, आप नहीं खड़े होंगे, किसान अगर यहाँ धरने पे बैठेगा जिसको और कितनी किसानों की मौतें हो जाए, उनका काला कानून पास कर दिया जाए तो क्या आपका दिल नहीं रोएगा, और किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी बता दिया जाएगा, और जो अगर छात्र यहाँ आवाज उठाएगा तो छात्र को आप टुकड़े टुकड़े गैंग में बता देते हो, और आप जैसे प्रबुद्ध लोग अगर आवाज उठा देंगे सरकार के खिलाफ तो उसको आप नक्सल बता देते हो, अगर राजनीतिक दल अगर आपके खिलाफ आवाज उठाते हो तो उनके ऊपर एजेंसी लग जाती है। सवाल यह है कि देश के अंदर में क्या लोकतंत्र में आवाज अपनी बात कहने का अधिकार तो होगा ना, अपनी अपनी बात लोग कहेंगे, आपको पसंद आए ना आए, ये विपक्ष एकता क्यों है, विपक्ष इसलिए नहीं, नहीं मैं वो तो पूछ नहीं रहा कि आपके पास लोकतंत्र में बात कहने का अधिकार नहीं है, अबे तो मैं वो तो पूछ ही नहीं रहा हूं, मैं आ रहा हूँ के शर्मा, अभी थोड़ा सबकी बात हो जाए फिर एक साथ आप जवाब दीजिएगा। अभय दुबे, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आपके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की काट अकेले में नहीं है, आप ये मानते हैं कि आप अकेले चुनाव में जाएंगे तो आप बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे, इसीलिए आज ये तमाम विपक्षी दल एक साथ, मैं आ रहा हूँ अभय दुबे से मैं पूछ रहा हूँ, इसीलिए आज ये विदल, एक मिनट मैंने अभय दुबे से सवाल पूछा, अभय दुबे इसीलिए आप मिले हैं आज एक साथ, सारे चेहरे भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा ही नहीं है, आप सोचिए गौरव जी पार्टी के पास दूसरा चेहरा, गौरव जी मैं आ रहा हूँ, मैं अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया मैं आ रहा हूँ, अभय दुबे गौरव जी
गौरव जी देखिए, सबसे बड़ा सवाल नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर किसने उठाया जानते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। उसने अपने मुखपत्र में लिखा साफ कि प्रधानमंत्री के चेहरे के भरोसे मत रहना, क्योंकि ये देश को समझ में आ गया कि कर्नाटका में न उनका दुखड़ा चला न मुखड़ा चला। कितने दिनों तक आप चेहरे के नाम पर वोट लेंगे? तो काम को देखो चेहरा ना देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा, काम सच्चा और चेहरा झूठा। अब प्रतिपक्षी दल जो मिलकर लड़ रहे हैं, इनका नेतृत्व करेगा कौन? इनका नेतृत्व वो बेरोजगार युवा करेंगे, जिनको बेरोजगारी की आग में। अरे तो आप उस बेरोजगार युवा को पीएम बना देंगे? करोड़ों करोड़ बीजेपी लेकर जाएगी एक चेहरा। अबे जो किसान यहाँ तो ये लड़ाई लेकर जाएगी, आप ये लड़ाई लेकर जाएंगे? नहीं नहीं, 2004 में कौन था चेहरा बताइए? अटल बिहारी वाजपेयी जैसी टावरिंग पर्सनलिटी के खिलाफ कौन था? इनकी नाकामी। तो आज भी देश बनाम भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है, ये देश लड़ रहा है बीजेपी के खिलाफ, ये देश चेहरा है, उसके युवा चेहरे हैं।